हेलो एवरीवन, पहले तो सभी को बहुत बहुत सॉरी क्योंकि मैंने 5-6 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भागम भाग भरी लाइफ हो गई है मेरी। कभी दिल्ली तो कभी गांव, इस तरीके से दौड़ भाग में ज़िंदगी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बट मैं भी गांव में शिफ्ट हो गई हूँ, तो जो भी मेरे पहले के कस्टमर थे उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैं हमेशा के लिए दोबारा से गांव आ गई हूँ। मेरा पार्लर यहीं चल रहा है और आते आते ही मेरी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो थैंक यू सो मच कि लोगों को मेरा इतना वेट था और आते आते ही कस्टमर भी आने लग गए। तो अभी आज की वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इस तरीके से सारे बालों को बहुत ही प्यारा बन बनने वाला है। साड़ी पे जाएगा, सूट पे जाएगा, वेस्टर्न ड्रेस पे भी जाएगा। मार्केट शॉपिंग वगैरह करने जा रहे तो भी अच्छा रहेगा और गर्मियों के लिए बेस्ट है। तो हेयर स्टाइल फॉर समर, तो इस तरीके से मैं कोई आगे से पार्टीशन नहीं करी, फ्रंट में आपको जो हेयर स्टाइल चाहिए वो आप कर सकते हो। तो अभी मेरे चैनल पे डेली कंटिन्यू वीडियोस जाएंगी। तो अभी तक जो नहीं हो पाया, मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी कि मैं वीडियोस पे ध्यान नहीं दे पाई थी, तो उसके लिए वेरी सॉरी। अभी मैं परमानेंट वीडियोस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से मैंने रबड़ बैंड लगाया और थोड़े से बालों को ऐसे लगा दिया है। इसके बाद हमको लेना है डोनट बन। तो डोनट बन से तो काफ़ी पतले हल्के बालों में भी अच्छा सा लुक आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं कर रही हूँ और गर्मियों की वजह से बालों की हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो इसको कैसे मैनेज करूँगी वो सारी वीडियो डिटेल में जाते रहेंगी, तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। इसी तरीके की वीडियो आप लोग को डे बाय डे मिलते रहेंगी। तो डोनट बन लगाने के बाद से आपको चारों तरफ से यू पिन लगा देना है ताकि जब आप हेयर स्टाइल करो तो जो डोनट बन के अंदर हेयर चले जाते हैं वो ना जाएँ और हेयर स्टाइल का जो लुक है वो अच्छा आ जाए। तो इस तरीके से मैंने ऊपर और नीचे दो यू पिन लगा दिया। दो पिन यू पिन हम लोग इस तरीके से साइड में लगाएंगे जिससे कि हमारा जो डोनट बन है वो अपनी जगह से हिले नहीं, वहीं पे टिके रहे। तो इस तरीके से लगाने के बाद से सारे बालों को ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से छोड़ दिया और अच्छे से कॉम कर लिया। कॉम करने के बाद से बचे हुए बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरीके से और क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे के दूसरी साइड से। और इस तरीके से डोनट बन को हाइड करते हुए सारे बालों को नीचे की तरफ से लेके जाएंगे। सेंटर का जो हेयर था वो ऐसे ही दिखाई देगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सारे हेयर को अच्छे से होल्ड करते हुए यू पिन लगा देना है। तो इस तरीके से यू पिन से अच्छे से डोनट बन को हाइड कर देना है और आपके बन का लुक काफ़ी अच्छा सा आ जाएगा यहाँ पर। और इस तरीके से आप बन बना के छोटे पतले हल्के बालों में भी साड़ी के लिए सुंदर सा बन बना सकते हो, गर्मियों के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जहाँ जहाँ आपको यूपिन की नीड है, मतलब यूपिन ज़्यादा जहाँ जहाँ पे लगाना है वहाँ पे आप लगा लीजिएगा। पहले मैंने ये वीडियो अपलोड की थी बट मैंने इसमें म्यूज़िक डाला था जिसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ रहा था, तो फिर मैंने उसको अनलिस्टेड करके दोबारा से ये वीडियो एडिट किया है और अपने आवाज़ के साथ। और इस तरीके का बन बना है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से जहाँ से आपको लगे कि यूपी डोनट बन दिख रहा है वहाँ से आप अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा। तो कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आई होप कि पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरीके से हेयर को खींच लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा फ्लैट लुक ना दिखे फ्रंट से। तो ये था मेरा फाइनल लुक। साइड से आप लेयर्स निकालना है निकाल लो, अगर वेडिंग में पार्टी में बना रहे हो तो साइड से जो आपने लेयर निकाली है इसको कर्ल्स कर लीजिएगा और बैक में थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिएगा, और भी ज़्यादा खूबसूरत आपका बन जो है दिखाई देगा और काफ़ी पार्टी वियर लुक दे देगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरी डेली ब्लॉग क्या चल रहा है, मेरी डेली अपडेट जानने के लिए मेरे सेकंड चैनल पे जरूर जाइए, प्रीत तिवारी 2। सेकंड चैनल का नेम है थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।